तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द सर्पेंट एंड द रोप, जो लिखी गई है बाय राजा राव। ये राजा राव की सेकंड नॉवल थी और इस नॉवल को राजा राव ने 1960s में पब्लिश करवाया था। इस नॉवल का बेसिक थीम था सेल्फ नॉलेज का और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसका मतलब है कि असल में यह कहानी राइटर की खुद की है, लेकिन उन्होंने इस कहानी में रामास्वामी नाम के करेक्टर के जरिए हमें बताने की कोशिश की है कि असल में उनके साथ रियल लाइफ में क्या-क्या हुआ था। और रामास्वामी जो मैंने अभी नाम लिया, ये हमारी नॉवल का मेन करेक्टर है। तो नॉवल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं इसके मेन करेक्टर्स के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामास्वामी हमारी स्टोरी के मेन करेक्टर हैं। अगली करेक्टर है मेडलिन, जो रामास्वामी की फ्रेंच वाइफ हैं। अगली है सावित्री, ये एक यंग मॉडर्न हिंदू फैमिली की वुमन है और इसे हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं। असल में स्टोरी में रामास्वामी इस लड़की का लवर भी था। रामास्वामी को ये लड़की बहुत पसंद थी। अगली करेक्टर आती है रामास्वामी की सौतेली माँ, जिसे स्टोरी में बताया गया है लिटिल मदर के नाम से। तो ये थे नॉवल के कुछ मेन करेक्टर्स। अब हम नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। नॉवल की शुरुआत होती है हमारे मेन करेक्टर रामास्वामी से। रामास्वामी एक जवान, पढ़ा लिखा और अच्छे नेचर का इंसान था, लेकिन रामास्वामी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। दरअसल रामास्वामी के फेफड़ों में, उसके लंग्स में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो हेल्थ वाइज थोड़ा परेशान रहा करता था। अब मैं आपको रामास्वामी के पास्ट के बारे में भी बता देता हूँ। रामास्वामी की पास्ट लाइफ कुछ इस तरह की थी कि रामास्वामी जब 7 साल का था तो इसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद रामास्वामी के फादर ने दोबारा मैरिज कर ली थी, यानी कि सेकंड मैरिज कर ली थी, और सेकंड मैरिज के बाद इनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम था कपिला, सूरज, सुकुमारी। तीसरे बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही रामास्वामी के फादर की सेकंड वाइफ की भी डेथ हो गई थी। सेकंड वाइफ की डेथ के बाद रामास्वामी के फादर ने थर्ड मैरिज विजय लक्ष्मी नाम की लेडी से कर ली और इनकी थर्ड मैरिज में भी इनको एक बेटा हो गया, जिसका नाम था श्रीधर। और जब ये श्रीधर 11 महीने का था तो उसी वक्त रामास्वामी के फादर की भी डेथ हो गई थी। तो ये थी रामास्वामी के पास्ट की कुछ बातें। अब हम रामास्वामी के प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में रामास्वामी रह रहा था फ्रांस में, और फ्रांस में वो एल्विजेंसियन हियर्सी के थीसिस पर कुछ रिसर्च कर रहा था। और उसने सोचा था कि जब वो ये थीसिस कंप्लीट कर लेगा तो वो वापस इंडिया चला जाएगा। रामास्वामी जब फ्रांस में रह रहा था, उसी दौरान रामास्वामी की मुलाकात हुई मेडलिन नाम की लड़की से, जो फ्रांस की ही रहने वाली थी। रामास्वामी मेडलिन को लाइक करने लगा, उसे वो बहुत पसंद आई और उसने मेडलिन से मैरिज भी कर ली। लेकिन रामास्वामी की मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। मैरिज के बाद वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका रिलेशनशिप अच्छा ना होने की एक वजह ये भी थी कि असल में रामास्वामी और मेडलिन का जो पहला बेबी पैदा हुआ था, उनका जो पहला बेबी बॉर्न हुआ था, उसकी पैदा होने के 7 महीने के अंदर ही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनके रिलेशन में एक कड़वाहट थी। अभी रामास्वामी के साथ इतना सब बुरा होकर हटा ही था कि उसे एक और खबर मिली कि उसके पिताजी जो इंडिया में हैं, उनकी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये खबर सुनते ही रामास्वामी ने इंडिया जाने का फैसला किया। अब जैसे ही रामास्वामी इंडिया पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। अब वो अपने फादर का अंतिम संस्कार वगैरह कर फ्रांस वापस जाने ही वाला होता है कि उसी दौरान जब वो इंडिया में अपने फादर की डेथ के वक्त रुका हुआ था, उसकी मुलाकात हो जाती है सावित्री नाम की लड़की से, जो कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट थी और रामास्वामी उसको अपने फ्रेंड के जरिए जानता था।
अब रामास्वामी दरअसल सावित्री को लाइक करता था, लेकिन सावित्री ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। जब रामास्वामी सावित्री से पहली बार मिला तो उसे सावित्री ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे सावित्री के लिए उसका प्यार बढ़ता गया और सावित्री से ये सुनने के बाद कि वो उसे पसंद नहीं करती है, रामास्वामी थोड़ा सा परेशान रहने लगा। सावित्री के ना करने से ही रामास्वामी और मेडलिन के बीच में थोड़ी दूरियां बनने लगी। तो इंडिया में रामास्वामी के साथ ये सब हुआ और जब वो वापस फ्रांस जाने लगा उसी वक्त उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक कर एक तोहफा दिया और कहा कि ये तुम मेरी बहू को दे देना, मतलब कि ये तोहफा तुम अपनी वाइफ मेडलिन को मेरी तरफ से दे देना। अब अपनी मदर से वो गिफ्ट लेकर रामास्वामी वापस फ्रांस चला गया। फ्रांस वापस पहुंचने के बाद वो अकेले में बैठकर अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा। अब आगे नॉवल में क्या हुआ कि रामास्वामी जब फ्रांस वापस आकर अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था तो उसकी वाइफ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे रामास्वामी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगा तो उसने रामास्वामी से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। तो रामास्वामी ने कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन असल में रामास्वामी अंदर ही अंदर परेशान था और उसने अपनी मदर का दिया हुआ गिफ्ट जो उसकी माँ ने मेडलिन को देने के लिए कहा था वो उसे नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो सावित्री थी वो रामास्वामी और उसकी वाइफ मेडलिन से मिलने के लिए फ्रांस में आ गई। इन तीनों ने आपस में बहुत सारा अच्छा टाइम बिताया, लेकिन इस मूमेंट के बाद रामास्वामी अपने रिसर्च वर्क के लिए इंग्लैंड चले गए और सावित्री भी वहाँ पर उनके साथ आ गई। और यहाँ पर रामास्वामी ने एक काम किया, रामास्वामी ने अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट जो उन्होंने मेडलिन को देने के लिए कहा था वही गिफ्ट सावित्री को दे दिया और वो गिफ्ट था पैरों की अंगूठियाँ। रामास्वामी और सावित्री को अपनी अपनी सिचुएशंस का अच्छे से पता था कि रामास्वामी किसी और से मैरिड था और सावित्री की भी दरअसल किसी और से शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता आपस में अच्छा था। अब आगे क्या हुआ कि जब रामास्वामी इंग्लैंड से वापस फ्रांस आए तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ मेडलिन से मिले और मेडलिन से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब ये बात पता चलते ही रामास्वामी को एक और बात पता चली कि इंडिया में उसके सिस्टर की शादी भी फिक्स हो चुकी है, तो उन्हें फ्रांस से वापस इंडिया अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आना पड़ा और अपने सिस्टर की मैरिज के बाद वो सीधा बेंगलोर चले गए क्योंकि वहाँ पर उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो अपना इलाज कराने के लिए उन्हें बेंगलोर जाना पड़ा। और वहीं पर रामास्वामी को एक खबर मिली कि उनकी वाइफ मेडलिन ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। अब इस बात से रामास्वामी को थोड़ा झटका लगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। लेकिन उन्हें वहाँ एक और खबर मिली कि सावित्री जिसे वो मन ही मन चाहते थे उसकी भी किसी और आदमी के साथ शादी हो गई है। अब अपना इंडिया से इलाज कराने के बाद वो वापस फ्रांस गए और जाकर अपनी पत्नी से मिले, लेकिन उनकी पत्नी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, मतलब कि वो संत बन चुकी थी और अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी, उनसे दूर रहना चाहती थी। अब रामास्वामी ने जब ये देखा तो वो भी अपनी पत्नी से दूर रहने लगे। रामास्वामी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी तो वो इस बार अपना इलाज करवाने के लिए लंदन चले गए और लंदन में उनकी मुलाकात हुई सावित्री से और दोनों वहाँ पर एक दूसरे से बहुत टाइम बाद मिले। सावित्री ने रामास्वामी से कहा कि मेरी मैरिज हो चुकी है और रामास्वामी ने भी सावित्री को अपनी वाइफ के बारे में सब बताया और कहा कि अब मैं अपनी वाइफ से अलग हो चुका हूँ। अब ये दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो
उसी वक्त इन दोनों को एक बात समझ आई कि इन दोनों के जिंदगी में रास्ते अलग-अलग हैं, ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। अब स्टोरी के एंड में क्या हुआ कि रामास्वामी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और पूरी तरह से उससे अलग होकर रहने लगा। अकेले ही अपनी लाइफ बिताने के लिए तैयार हो गया और सावित्री से भी ये एकदम से अलग हो गया, उससे भी इसकी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये थी हमारी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।